खबर सतना से है, जहां जिला अस्पताल में चोरी की घटनाएं अब एक आम बात बनकर रह गई हैं। शुक्रवार दोपहर 3 बजे बैंक कॉलोनी निवासी तारा चंद्र रोहणा बैंक से पैसा निकाल कर आए और अपने पत्नी के इलाज कराने के लिए लाइन में लगे। इसी दौरान एक बदमाश आया, जिसे देखकर तारा चंद्र ने उसे वहां जाने को कहा, लेकिन वो वहां से नहीं गया। तारा चंद्र डॉक्टर को दिखाने के बाद दवा लेने की लाइन में लगे थे और इसी दरमियान उसके जेब से 30,000 रुपए पार कर दिए गए। आनन फानन में फरियादी सिटी कोतवाली थाने पहुंचा, जहां शिकायत दर्ज कराने के बाद कोतवाली पुलिस उनके साथ आई और जांच पड़ताल की। और मैं लाइन पे था, मेरी भी लाइन पे थी और बगल से एक आदमी आया, मेरे पीछे भी कुछ लोग खड़े थे, पीछे ही और बगल से आया, मेरे बगल आके सट से खड़ा हो गया। तो मैंने ऐसे डांटा कि भाई गर्मी, तुम सट के क्यों खड़े हो मेरे पास, हड़प के भगा है। तो लगता पेशेंट नहीं था। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद फिर आया वो, उसके बाद जो है तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद मैं दवाई के काउंटर पर दवाइयाँ ले रहा था तो वहाँ फिर आके खड़ा हो गया। फिर मैंने डांटा कि तुम एक आए गए मेरे पीछे और वो जाके फिर उधर लाइन में खड़ा हुआ और फिर चला गया। तो इसी दरमियान लगता है मेरे यहाँ जेब में जो पैसे पड़े थे, सीधी गड्डी पड़ी थी, वो निकाल लिए। कितने पैसे थे? 30,000। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बैंक कॉलोनी भारत नगर सतना के। इसकी शिकायत आपने थाने में दर्ज कराई? हाँ, मैंने तुरंत जो है तो पहले रेखा त्रिपाठी जो CS है उनको फ़ोन किया। पहले तो मैं गया चौकी में आपको ही नहीं मिला, तो वहाँ से मैं सीधे सिविल सर्जन के यहाँ भी आया और यहाँ से मैंने फ़ोन लगाया और यहाँ से नंबर मिला मुझे। तो उनको मैंने पूरी घटना बताई, उन्होंने कहा कि आप सिटी कोतवाली चले जाइए, सिटी कोतवाली रिपोर्ट लग जाए। मैं सिटी कोतवाली गया, वहाँ उन्हें बताया, रिपोर्ट उन्होंने लिख के दी है। मेरे साथ ही धर्मेंद्र कुमार पटेल आरक्षक हैं, प्रधान आरक्षक हैं, आरक्षक ही आए तो अब कैमरे की चेकिंग कराई है, कराने आए हैं, देख रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? मेरा नाम है तारा चंद्र रोहड़ा। तारा चंद्र रोहड़ा,